फांसी की सजा होनी चाहिए। सलमान गर्जुन उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। एसिड अटैक कश्मीर में हो रहा है तो वो जम्मू में भी हो सकता है, क्योंकि फांसी तो कुछ भी नहीं है कि बात। फांसी से भी मुझे लगता है कोई सख्त सजा देनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, नॉर्मल सजा है ही नहीं उनके लिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इन जैसे दरिंदों को। हाल ही में हुए कश्मीर घाटी के अंदर एसिड अटैक को लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या कुछ कहना है वो जानना इस समय बहुत लाजमी है, क्योंकि उस बच्ची का ट्रीटमेंट चेन्नई के अंदर किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या कुछ कहना है, चलिए आइए सुनते हैं। उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए, क्योंकि एसिड अटैक जो है सबसे वर्स्ट चीज है जो अब J&K में भी होने लगी है, वरना यहाँ पर ऐसी चीजें कभी सुनने में आई नहीं, बट अब अगर एसिड अटैक हुआ है तो उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, अगर एसिड अटैक कश्मीर में हो रहा है तो वो जम्मू में भी हो सकता है। फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी होना चाहिए। और इन जलमन जलमन गए दिन फोस कौर पे दुत अजाब दौर इन गए दिन फोस असल पे दिन फोस क्या हंग तुम तेज लगोस तेजाब। फांसी की सजा होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट को भी इसके रिलेटेड मतलब स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि कल जाके कोई और इंसिडेंट ना हो तो उसको फांसी होनी चाहिए। देखो भैया, ये जो एसिड अटैक हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, जिस लड़की पे हुआ है वो वही जानती है कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। तो आप पूछ रहे हैं कि फांसी का होना चाहिए या नॉर्मल सजा, नॉर्मल का तो मतलब ही नहीं बनता। फांसी से भी मुझे लगता है कोई सख्त सजा देनी चाहिए, जो उनको फील हो जैसे उस लड़की को उन्होंने वो दर्दनाक दिया वैसा ही उनको भी वैसा पेनफुल होना चाहिए। मतलब फांसी तो कुछ भी नहीं है, उनको उससे भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए जैसा पेन लड़की ने लिया है। कुछ ऐसा करे हमारी गवर्नमेंट की वैसा ही पेन उन लड़कों को दे तो फिर ठीक रहेगा भैया। जिस पे भी ये अटैक हुआ है उसके लिए काफी पेनफुल, हम तो सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि वो ऐसा कितनी पेन में होंगे और उनकी फैमिली भी। लेकिन फांसी उसके लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा उन्होंने उस लड़की के साथ किया है। क्योंकि फांसी तो कुछ भी नहीं है कि बात करेंगे कुछ उसको पेन नहीं होगा, लेकिन उनको एसिड के साथ एसिड ही अगर हम उन पे भी वही अटैक करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि कितना पेनफुल है। और एक लड़की के लिए पूरा मतलब जैसे आप बताया हुआ न्यूज में उसकी पूरी देखने लायक भी नहीं बची है वो, तो उसको आगे फ्यूचर में कितना कुछ उसको सफर करना पड़ेगा अगर वो बच भी जाती है तो इसके बदले में उसे एसिड अटैक से ही करना चाहिए। कुछ ऐसा हो कि ये लास्ट अटैक हो, ना कि दोबारा सोचने में भी लोग डरे, ऐसा करना तो दूर सोचने में भी डरे। आम जनता की प्रतिक्रिया को आपने सुना और आम जनता के बीच में आक्रोश था, गुस्सा था और उनका ये कहना था कि इन जैसे दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि जिंदगी में कोई भी इस चीज के लेकर जो है ना सोचे और इन जैसे दोषियों को सख्त दंड दिया जाना चाहिए। और आपने सुना कि जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या कुछ कहना था इस कश्मीर घाटी को, कश्मीर घाटी में हुए एसिड अटैक को लेकर। ये पूरी प्रतिक्रिया जो है आम जनता की है और आम जनता की आपकी जो आवाज थी वो पूरी हमने पहुंचाने की कोशिश की और आम जनता की आपने इस आवाज को सुना है। और आपकी क्या कुछ राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद।